अभी हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, सर क्या हम किराने के साथ क्या सब्जी और फल बेच सकते हैं क्या? तो दोस्तों, ये जो दुकान देख रहे हैं मेरे पीछे किराने की दुकान के साथ, किराने के काम के साथ आप कोई भी काम ऐड कर सकते हैं। वो काम खाने पीने का भी हो सकता है, वो काम सब्जी फल का भी हो सकता है, वो काम एक सीजनल बिजनेस हो सकता है, वो एक फेस्टिवल बिजनेस भी हो सकता है। तो दोस्तों, किराने का काम एक ऐसा काम है, ये बताते हुए हमें काफ़ी खुशी होती है कि इस दुकान के साथ, किराने की बिजनेस के साथ आप कोई सा भी बिजनेस ऐड कर सकते हो। आप किराने की दुकान में मोजे, पर्स, बेल्ट, रुमाल, कान साफ करने के ईयरबड्स, नाखून काटने के नेल कटर, हर वो चीज़, हर वो आइटम बेच सकते हो जो एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसी वो हर चीज़ किराने के बिजनेस के साथ बेची जा सकती है और आप चाहो तो उसे बेच सकते हो, लेकिन आपको बेचना आना चाहिए। दोस्तों, बेचने की भी कला होती है, माल लाना बड़ी बात नहीं है, शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, बेचना बड़ी बात है। मैं हर वीडियो में ये इस बात पे जोर देता हूँ और एक्स्ट्रा बताता हूँ कि मतलब दोस्तों, माल खरीदना बड़ी बात नहीं है, माल लाना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना बड़ी बात है, बेचना सीखिए। और मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको हर एक चीज़ बेचना सिखाऊँगा, वो कैसे बेचनी है, कैसे दिखेगी, कैसे बिकेगी, मैं सब बताऊंगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें बताऊंगा मैं आपको किराने के बिजनेस के साथ सब्जी और फल आपको कैसे बेचना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। आता हूँ अपने टॉपिक पर। सब्जियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रेगुलर सब्जी और एक होती है सीजनेबल सब्जी। अब रेगुलर सब्जी ऐसी सब्जी को कहा जाता है जो सब्जियों का बेस होती है, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन, इन्हें हम कहते हैं रेगुलर सब्जी। और हम किराना दुकानदार को, किराना बिजनेस के साथ इन रेगुलर सब्जी को ही बेचना है और रेगुलर सब्जी पे ही पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो हर सब्जी में मिक्स की जाती हैं, उनके साथ डाली जाती हैं, उनके साथ बनाई जाती हैं और खाई भी जाती हैं। और आपको सबसे पहले प्राथमिकता आपकी दुकान को देना है, क्योंकि आप पहले किराना दुकानदार हैं, पहले आप किराने के ओनर हैं, किराना दुकान के मालिक हैं, उसके बाद आप एक सब्जी वाले हैं। तो सब्जी को आपको ठेले पर नहीं बेचना है, आपको दुकान के साइड में ही, दुकान के जो स्पेस है बाहर का, जो बरांडा है, जो भी आपका ओपन स्पेस है, छोटी सी टेबल लगाकर आपको सब्जी लानी है। और सब्जी कितने की लानी है, मात्र 500 रुपये से शुरुआत करनी है। 500 रुपये में आपको 5 किलो आलू लाने हैं, 5 किलो प्याज लाने हैं, 2 किलो टमाटर, 1 किलो मिर्ची, 1 किलो अदरक, 1 किलो धनिया और 1 किलो लहसुन थोड़ी लेके आना है। मात्र 500 रुपये से आपको शुरुआत करनी है, फिर आपको देखना है कि 500 रुपये की सब्जी कितने दिन में आप बेच पा रहे हो। हो सकता है वो 2 दिन में बिक जाए, हो सकता है वो 4 दिन में बिक जाए, हो सकता है वो 7 दिन में बिक जाए, लेकिन आपको घाटा कहीं से कहीं तक नहीं होगा। भले ही वो 7 दिन बिकती है, फिर आप 500 का माल ले आइए, अगर वो जल्दी बिक जा रही तो फिर 500 का माल ले आइए, लेकिन लेके आपको 500 का ही आना है। मालूम पड़ा आपने 500 का माल ले आए और वो आपने बेच भी दिया, फिर आप 5-6 का माल ले आओगे तो घाटा हो जाएगा। उतना ही माल लाइए जितना आप बेच पाओ, अगर वो जल्दी बिक जा रहा है तो जल्दी ले आइए, लेकिन लेके 500 के फॉर्म में ही आना है। तो दोस्तों, रेगुलर सब्जियाँ तो बिकनी ही बिकनी है, हर आदमी को इसकी ज़रूरत है ही है, हर कहीं बिकती है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो कस्बा हो, अपने एरिया में, अपनी दुकान पर, अपने कैंपस में, अपनी कॉलोनी में आराम से, आसानी से ये सब्जियां बेच सकते। अब बात करता हूं मैं सीजनेबल सब्जी की। दोस्तों, सीजनेबल सब्जियां ऐसी सब्जियां होती हैं जो खास गर्मियों में, बारिशों में या फिर सर्दियों में आती हैं। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो अभी मटर आप बेच सकते हो, पर मटर भी आप 2-4, 5-6 दिन, 7 दिन तक चला सकते हो, ख़राब नहीं होते हैं। इसी तरह गाजर, गाजर को भी आप 5-7 दिन रख के चल सकते हो, जो ख़राब नहीं होते। तो दोस्तों, आपको ऐसी सब्जियों पे ध्यान देना है जो लंबा चलें, जिनकी वैलिडिटी ज़्यादा हो, जो जल्दी ख़राब ना हो, जैसे कि गोभी है, पत्ता गोभी है, ये 2 दिन में मुरझा जाती हैं। हरी सब्जी आप चाह के भी नहीं बेच पाओगे किराने के बिजनेस में, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। अब बात करता हूँ मैं फलों के बारे में। दोस्तों, गर्मियाँ आएँगी तो आप चाहो तो आम लाइए, आप चाहो तो अंगूर की पेटी लाइए, आप चाहो तो नारियल पानी बेचिए, आप चाहो तो खरबूजा बेचिए, तरबूजा बेचिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही आपको लाना है।
और उतना ही लाना है जितना आप बेच पाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि खरीदना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, बेचना। आपको बेचना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब्जी का व्यवसाय आप धीरे धीरे करके बड़ा कीजिए। एकदम से आप बड़ा करेंगे, एकदम से आप ज़्यादा माल लेके आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये आपके लिए आफत हो जाएगी कि यार ये सब्जी तो मेरे ऊपर सर पे आ गई है और ये ख़राब हो जाएगी। तो सब्जी के व्यवसाय में 20% तक का मार्जिन है, यानी कि 500 का माल लाओगे तो आपके 600 बन जाएंगे। अब ये आपको देखना है कि मैं 500 का माल महीने में 4 बार ला पा रहा हूँ, यानी कि हफ्ते में 1 बार ला पा रहा हूँ, या हफ्ते में 2 बार ला पा रहा हूँ, या हफ्ते में 3 बार ला पा रहा हूँ। अगर आप हफ्ते में 3 बार लाते हो, 1500 की हफ्ते की सेल करते हो सब्जी की, तो महीने की 4 बार हो गई, यानी कि 6000 रुपये की सेल हो गई। अगर आप 6000 रुपये की महीने में सब्जी की सेल करते हो तो आपके 1200 से लेकर 1500 तक रुपये कहीं नहीं गए सब्जी में। इसके साथ आप सीजनेबल सब्जी बेच सकते हो, सीजनेबल फ्रूट्स बेच सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किराने के बिजनेस में ऐड करके आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब्जी का बिज़नेस समझ में आ गया होगा, किस तरह से स्टार्ट करना है किराने बिजनेस के साथ में। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई समाधान है, मुझसे आप कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी आपको आंसर देने की, उस पर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ आने वाले समय में मेरे वीडियो में आप देखेंगे। मिलता हूँ कुछ नया लेके, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।